नमस्कार किसान भाई साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दलदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ विष्णु पाटीदार। दोस्तों, आज के 24 जुलाई 2024 के दलदा मंडी के अन्य सभी जिन्सों के साथ हम लहसुन की आवक की रिपोर्ट देख लेते हैं। आज की सुबह की किस प्रकार की देखने को मिली है। मंडी चलने से तकरीबन मैं आपको बताऊँ कि 2 घंटे पहले की आवक रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। नीलामी कार्य चलने से 2 घंटे पहले की आवक रिपोर्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं अन्य सभी जिन्सों में आवक किस प्रकार की है। तो जो भी जिन्स हैं लहसुन को छोड़कर अन्य जो भी जिन्स हैं उनमें आवक तो सामान्य देखने को मिली है। भी निरंतर आवक जारी है उन जिन्सों में, लेकिन सामान्य आवक कहेंगे। अन्य जो भी जिन्स हैं जैसे कि सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, चना, अलसी जो भी हैं उनमें सामान्यतः आवक। लहसुन की आवक की अगर रिपोर्ट जानते हैं दोस्तों, आज की जो मंडी के अंदर देखने को मिली है दोनों छपरे मंडी के अंदर फुल हो चुकी हैं। बिल्कुल भी एक हाथ बोरी की भी मंडी के अंदर जगह देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि दोस्तों, आप मान लीजिएगा आज की धरोधा मंडी के अंदर की आवक 4.5-5 कट्टों के प्लस की आवक आज धरोधा मंडी के अंदर फिलहाल देखने को मिल चुकी है और गेट मंडी का बंद हो चुका है। फिलहाल मंडी के गेट की अगर स्थिति अगर आपको बताऊं सुबह की, तो 15-20 वाहन मंडी के गेट पर आपको देखने को मिल जाएंगे। मंडी के अंदर लहसुन की जगह बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिली है। अन्य कोई भी जिन्स अगर आपके पास में है जैसे कि गेहूं, चना, अलसी, मसूर, तो उसको आप लेकर मंडी में आ सकते हैं। उनका लहसुन का उन जिन्सों का बिक्री कार्य हो जाएगा, आवक उन जिन्सों में सामने है। अगर उसके साथ में लहसुन है तो आपको मंडी के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बाकी आप मंडी गेट पर आते हैं तो आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा आपको किस प्रकार का गेट पर प्रवेश मिलता है या नहीं मिलता है। बाकी इस बिस्तर जानते हैं कि मंडी का लहसुन का गेट बंद हो चुका है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक किसान मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। जानकारी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी किसान मित्र दलदा मंडी से सारी जानकारी देख पाएँ।